Welcome to First Post Decode 2017, brought to you by Godrej NXW Air Conditioners. I'm Nikhila Natarajan. With me is my co-anchor, Kinshuk Prabal. First Post ki is khas peshkash mein aap sabhi ka swagat hai. First Post ka ye live broadcast, aap dekh sakte hain hamare website par, firstpost.com, hamare Facebook page par, YouTube channel par, aur hamare First Post ke Twitter handle par, @FirstPost. Yaad rakhiyega. First post ke beech koi space na ho, first aur post ek hi shabd hai, dono Hindi aur English mein. To aakhir November 8 tarikh ki raat beet gayi aur notebandi ke theek 4 mahine aur 2 din baad aaj hum March 11 tarikh ke dehliz par khade hain. 5 rajyon ke chunav natije aaj. Zahir taur par aapne exit polls ka maza liya hoga aur agar un sarvekshanon ki baat mane to kam se kam 4 rajyon mein एक केसर या कमल खिल रहा है दाव पर है चुनाव सर्वेक्षणों की साख भी और हमने क्या किया है हमारे संपादकों ने ताकि हम यहां पर सिर्फ नतीजों तक सीमित ना रहें हमने 6 ब्रॉड थीम्स चूज किए हैं नाउ टू 2019 न्यू पॉलिटिकल लैंडस्केप चुनाव से किसका बदलेगा चेहरा Reworking social coalitions, आखरी रास्ता social engineering, नोटबंदी, आपके बैंक से वोट बैंक तक, BJP, a party reinvented, BJP का नया दौर, Muslims left out once more, Muslim voter को लेकर क्या टूटेगा मिथक, BJP, the new GOP, देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी BJP, तो इन थीम्स पर डिस्कशन के लिए दिन भर हमारे साथ होंगे बेहद उम्दा जर्नलिस्ट सबसे पहले अजय सिंह हमारे साथ संजय सिंह भी हैं अमितेश और इनके अलावा हमारे साथ लोकेशंस पर होंगे अजय झा गोवा से संदीपन शर्मा पंजाब से अमर यमनाम मणिपुर से नमिता सिंह उत्तराखंड से और कौस्तुभ लखनऊ से लेकिन आइए सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे दिलचस्प टॉपिक से उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल्स थैंक यू निखिला ये वाकई सही बात है कि जो एग्जिट पोल जो आया है काफी दिलचस्प है उसने इस चुनाव को और दिलचस्प बना दिया हालांकि जब ये चुनाव शुरू हुआ था तभी अलग अलग तरीके के ओपिनियन पोल्स आए थे और जिन्होंने तस्वीर काफी धुंधली बनाई थी काफी उसको लेकर वोटर से लेकर पॉलिटिकल पार्टीज से लेकर पॉलिटिकल लीडर्स सब के सब कन्फ्यूज नजर आ रहे थे लेकिन ये जो थर्सडे को जो एग्जिट पोल आया है ये एक तरीके से हम ये जांचने की कोशिश करेंगे कि जो तस्वीर है साफ है कि धुंधली है और उसके लिए हमारे साथ पैनल सारे मौजूद हैं सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी की यूपी का जो एग्जिट पोल है 4 राज्यों में जो 6 एजेंसीज हैं उनके हिसाब से बीजेपी दो एजेंसीज कह रही हैं कि बीजेपी सरकार बना रही है सबसे पहले एक नजर डालते हैं हम इस पर कि ये जो एजेंसीज हैं इनके क्या क्या एग्जिट पोल को लेकर अपने सर्वे अपने अनुमान हैं सीएसडीएस के मुताबिक अगर हम देखते हैं तो इस वक्त बीजेपी को 164 से 176 सीटें मिलती दिख रही हैं नुकसान में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है उनके मुताबिक 156 से 169 सीटें मिल रही हैं यानी कि साफ है कि यूपी को यह साथ पसंद नहीं आया वहीं पर हाशिए पर हाथी को पहुंचा दिया गया है सीएसडीएस के मुताबिक बीएसपी जिसको कि दावेदार बताया जा रहा था और यह कहा जा रहा था कि बीएसपी इस बार कुछ सरप्राइज एलिमेंट पेश कर सकती है एकदम बैक में आके 60 से 72 सीटें सिर्फ बीएसपी को दी जा रही हैं और वहीं पर जो अन्य हैं जो उनकी तादाद सिर्फ 2 से लेकर 6 तक है सीएसडीएस के मुताबिक सबसे पहले सीएसडीएस को लेकर अजय जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हालांकि एजेंसीज तो 6 हैं 6 के मुताबिक 2 जो एजेंसियों का जो दावा है कि सरकार बीजेपी बनाने जा रही है लेकिन यहां पर सीएसडीएस जिस तरह से आंकड़े पेश कर रही है 164 से 76 176 इससे लग रहा है कि क्या हाथी पर पंजा और साइकिल दोनों सवार हो सकते हैं सरकार बनाने के लिए क्या आपको लगती है संभावना वो तो संभव नहीं लगता है वो देखिए अगर आप बात करिए तो ऐसा लगता है कि ये हो सकता है लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये होने जा रहा है और शायद ये होगा भी नहीं तो एक तो हकीकत ये है दूसरा एग्जिट पोल्स की जहां तक आप बात कर रहे हैं हमें लगता है कि एग्जिट पोल्स जैसा आपने कहा कि साख उनकी दांव पे रहती है तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये रहता है कि हंग टाइप का सिनेरियो दे दो और हंग वो सेफ होता है जी
दो जो आप बता रहे हैं, दो पोल जो कि बोल रहे हैं कि नहीं साफ आएगा जी रिजल्ट जी, हम आप अगर हमसे पूछिए तो हमें लगता है वो ज्यादा सही है, क्योंकि हमें लगता है कि इस इलेक्शन में जो भी कुछ आएगा जी वो साफ होगा, उसमें कहीं हंग वंग टाइप की सिनेरियो नहीं होगा जी। ये एग्जिट पोल की जो एजेंसीज हैं उनकी प्रॉब्लम है जी, लोगों की प्रॉब्लम नहीं है जी, ये हमारा मानना है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात कही आपने अजय। जैसे मेरी अगर राय हो, आपकी राय या किसी भी किसी का भी, उसको अगर हम कंपेयर करें किसी एग्जिट पोल से, चाहे आप डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन ले लीजिए या फिर बिहार का, आपकी राय ठीक निकली और उन जो एग्जिट पोल्स थे वो तो गलत निकले। तो एक तरह से जो जो जमीनी हकीकत है वो इस वक्त क्या है? नहीं, वही हम कह रहे हैं ना कि एग्जिट पोल्स की जो एजेंसीज हैं उनको अपनी साख की इतनी चिंता होती है कि वो हंग टाइप का सिनेरियो एक देते हैं। आप लगातार देख लीजिए, इतनी एजेंसीज हैं और इन्होंने इतने साल से कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि वो एक एक्यूरेट दे रहे हों। एक आध एजेंसी का एक्यूरेट आता है, एक बार एक्यूरेट आता है, अगली बार एक्यूरेट नहीं होता है। शायद यूपी जैसा जो स्टेट है उसमें ये असंभव है कि कोई जाए और 20,000 के उसमें जो इनके साइज होता है सैंपल का, उसमें कोई चीज़ एक्यूरेट हो जाए, तो वो थोड़ा मुश्किल भी होता है। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो वहाँ का मूड है ना, वो इस तरह का नहीं है कि हंग सीन होगा, हंग असेंबली हमें नहीं दिख रही है। अब अगर हो जाए तो पता नहीं। अच्छा, अभी जो कुछ जैसा आपने कहा कि वहाँ का जो मूड है वो हंग नहीं हो सकता, चाणक्य जो है यहाँ पर 285 दे रहा है बीजेपी को, सी वोटर ने तो खैर 161 दिए हैं, चाणक्य 285 दे रहा है, और जो वीएमआर जो एजेंसी है वो 200 के लगभग सीट दे रही, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ पर बन रही है। एमआरसी 185 तक गया है, लेकिन सबसे चौंकाने वाला एक्सिस ने दिया है 251 to 279। संजय जी क्या कहेंगे, केसरिया होली की बात कर रहे थे आप? नहीं, वो संभव है। और दूसरी चीज ये है कि 251 to 279, अभी इतना चौंकने की जरूरत नहीं, नतीजे आ जाएंगे उसके बाद। देखिए, कोई भी चीज, मतलब मतदाता जब कई बार वोट देता है तो खुलकर वोट देता है जी। अगर आप यूपी के इतिहास में देखेंगे तो आज तक ऐसा सिर्फ 3 बार हुआ है जब 300 का आंकड़ा कहीं क्रॉस किया हो या इतने क्लोजर भी वो पहुंचा हो। अब देखिए, 77 के बाद एक बार 80 में जब इंदिरा गांधी के डेथ के बाद की लहर थी, जो संसद में राजीव गांधी 400 क्रॉस कर गए थे, उस समय यूपी में 300 क्रॉस किया था। उसके बाद की संख्या जो है अभी का मैक्सिमम है, जो अभी अखिलेश सरकार, वर्तमान अखिलेश सरकार है, 224 की। लेकिन वो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि एग्जिट पोल संस्थाएं अपना काम करती हैं। देखिए, हम हर समय प्रामाणिकता पे, जितना कि एक्यूरेट आया कि नहीं, एग्जिट पोल को और ओपिनियन पोल को, इलेक्शन एक बहुत बड़ा डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल के कलर के तौर पे उसको लीजिए कि अगर कोई फेस्टिवल है तो उसके तमाम रंग है, उसके ये भी एक आयाम जो एक्साइटमेंट को बिल्ड करता है, जो टॉकिंग पॉइंट देता है, जो पब्लिक में और पॉलिटिशियंस में और पॉलिटिकल पार्टी में वो देता है। ब्रॉडली अगर आप देखेंगे, ब्रॉडली मैं कह रहा हूँ, तो एक दो संस्थाएं बिल्कुल ऑफ द मार्क, कंप्लीटली ऑफ द मार्क होती हैं, लेकिन ब्रॉडली एग्जिट पोल जो ट्रेंड सजेस्ट करते हैं, जो अगर आप पोल ऑफ पोल्स लेंगे तो उसी दिशा में अग्रसर होता है चुनाव के नतीजे। 2012 में यूपी में सारे जो भी सर्वेक्षण थे पोस्ट पोल के, उसमें दो तो बिल्कुल एक्यूरेट वो आए थे जी। हाँ, वहीं वो बगल में पंजाब जाकर के फेल हो गए थे जी, क्योंकि उस समय जो वो चुनाव हुआ था। तो एक ब्रॉड ट्रेंड वो जरूर दिखाता है, क्योंकि मान लीजिए जैसा अजय जी कह रहे थे, जो आएगी वो मेजोरिटी के साथ आएगी, मेजोरिटी में क्या मार्क जाता है इशू, मेरे ख्याल में वो होगा। जैसे आपने कहा कि कलर देखना चाहिए, तो कलर फिलहाल जो ये सूरत हाल है उसको देख करके असरिया नजर आ रहा है। बहरहाल अमितेश, आप ग्राउंड पर रहे, इतनी रिपोर्टिंग की आपने, कई जगह गए, कई आपने फेजेस कलेक्शन कवर किए, आपने वहां पर क्या देखा, क्या समझा? उस टाइम पर आपको लग रहा था कि एग्जिट पोल इस तरीके का आएगा? देखिए, उस वक्त अगर बात करें तो एक चीज बिल्कुल साफ नजर आ रहा था, जिस तरह से बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त एक सोशल इंजीनियरिंग की थी, और बार बार कहा जा रहा कि अमित शाह जब उस समय यूपी के प्रभारी थे, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी के नाते, उन्होंने जो एक तरह से माइक्रो मैनेजमेंट किया था, वो असर अभी तक दिख रहा है। क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कहा गया कि मोदी लहर के सहारे बीजेपी ने यूपी में इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन उस वक्त भी देखा जाए तो एक मृत प्राय जो बीजेपी थी, कहीं ना कहीं यूपी के भीतर अगर बात करें तो, एक तरह संगठन होते हुए भी बीजेपी के भीतर वो जज्बा और वो जोश नहीं था, लेकिन उन तमाम कार्यकर्ताओं को एक साथ करके, तमाम जो MBC जातियां हैं और खासतौर से गैर यादव OBC को एकजुट करने का जो काम किया अमित शाह ने,
उसको 2014 के बाद भी एक तरह से कंटिन्यू किया और उसमें कहीं ना कहीं कमी नहीं दिखी। तो मुझे जो ग्राउंड पर जाने के बाद जब लोगों से बातचीत हमारी हुई तमाम गांव में जा करके भी, वहां भी हमने लोगों से जो फीडबैक लिया, उसके बाद ऐसा लगा कि उन सेक्शन पर बीजेपी ने 2014 के बाद भी 2017 के लिए दिमाग में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को तैयार की और उसको धार देना शुरू किया था, जिसका फल अभी देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से एक लामबंदी हुई है बीजेपी के पक्ष में गैर यादव ओबीसी की, और खासतौर से जो एमबीसी जो है, जो कि कभी सपा के पास कभी बसपा के साथ जाती थी, वो बीजेपी के साथ इस बार दिख रही है, तो उसका असर कहीं ना कहीं दिख रहा है। और जो खासतौर से आप एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं उसमें भी इसका एक एक तरह से उसका रिफ्लेक्शन इसमें देखने को मिल रहा है। अच्छा जी, मैं इसमें जैसे इन्होंने कहा कि बीजेपी जातीय गोलबंदी करने में एकदम कामयाब हो गई, तो यहाँ पर साफ देख रहे हैं कि बीएसपी यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान में है। किसी ने 60 से 72 दिया, किसी ने 87, किसी ने 27, किसी ने 64, किसी ने 90, जबकि शुरुआत में ये बात कही जा रही थी कि बीएसपी जो है वो नंबर वन की पोजिशन पर है, कि नंबर टू पर एसपी कांग्रेस अलायंस रहेगा। आप क्या इसकी वजह देख रहे हैं? वाकई ये बात सच है कि अगर एमबीसी कास्ट आपसे निकलती हैं तो बीएसपी और एसपी को ही लॉस होता है, क्योंकि ट्रेडिशनली ये उन्हीं का वोट बैंक है जी। तो लॉस तो उन्हीं को होगा। बीएसपी को लॉस ज्यादा होगा या एसपी को लॉस ज्यादा होगा, ये हमारे लिए अभी असेस करना मुश्किल है, क्योंकि ये जब रिजल्ट आ जाएंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। पर हमारा अपना मानना है कि बीएसपी को शायद उतना लॉस नहीं है जितना एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं। हमें लगता है कि उनकी उन्होंने बाय एंड लार्ज एक जो अपना उनका जो कोर वोट है उसको रिटेन किया है, और थोड़ा बहुत उनके हाथ से निकला है तो वो इनकी तरफ गया है। And we'd like to remind all our viewers, first of all, thank you so much for joining in, Padma Rao and Subhash Yadav. Very warm welcome to all of you. Do send in your comments, do send in your opinion. We'd like to hear from you, and we want to know where you're watching from, because here's the thing. You may ask, what's the difference? What's the difference in what you're doing? In fact, this entire street where we, where our studios are full of studios. Everyone has the same news. The effort here is that we have conversations rather than shouting matches. We give each one some time to process their thoughts and complete a thought. And we have 6 different themes on which you can actually look at this entire election. It's not just about the results. It's about 2019. It's about how BJP has engineered or at least is trying to engineer a completely different coalition. Does the vote bank even exist anymore? How are these parties trying to divvy up the vote share? How are they trying to bring it together? What about the Congress? Is it really over and done with? So these are all the themes we are looking at. Subhash Yadav kehte hain, jab BJP opposite mein hoti hai, to hamesha exit poll galat kiya jata hai. Sanjay? Nahi, aisa exit poll, dekhiye, jo bhi party ke natije jiske khilaf aate hain, wo Congress ho, BJP ho, Sapa ho, Baspa ho, anything. अभी आप देख लीजिए, 2 दिन पहले से नहीं, वो सही नहीं है। जो भी पार्टी ऑपोजिशन में होगी, मतलब जिसके पक्ष में नहीं आएंगे इन द सेंस, वो एक अपने आप को, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आते हैं, आप देखेंगे आज भी जब नतीजे आने लगेंगे तो बिल्कुल वो 10 बजे 11 बजे तक कहते रहेंगे नहीं अभी पक्ष से पूरे खुलने दीजिए, अभी उतार चढ़ाव आने वाला है, अनलेस अंटिल की वो बिल्कुल लगे कि एक तरफ लैंडस्लाइड हो रहा है। तो ये टॉकिंग पॉइंट्स है, पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन उसी तरह से करते हैं। ये कोई पार्टी स्पेसिफिक मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ बीजेपी है जो गलत कहती है, वो सभी उसमें एक ही तरह के हैं सभी। वो बिहार का एक्सपीरियंस भी हम लोग का अजीब सा है, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट जो ट्रेंड आया ना, तो उसमें काफ़ी लोग ये बोलने लगे कि बीजेपी बहुत आगे है, लेकिन जैसे जैसे ट्रेंड साफ होते गए तो पता चला कि जो अलायंस था वो आगे हो गया। तो अक्सर होता है कि ट्रेंड जो इनिशियल आते हैं वो रियल जो वो होता है उसको नहीं, मतलब एसेंस वो नहीं होता है, बाद में मालूम होता है कि सब उल्टा हो गया, तो ये भी एक दिक्कत है। अब देखिए, वो जो अजय जी ने बात शुरू की, बिहार में 9:30 बजे तक वो लग रहा था, जो अर्ली वो ट्रेंड्स दिखाए जा रहे थे उसमें लग रहा था बीजेपी लीड करेगी, तो ढोल ताशे भी शुरू हो गए। और वहां से बगल में जहां बीजेपी का दफ्तर है बीरचंद पटेल पथ पटना में, उसके थोड़ा आगे वो जेडीयू का दफ्तर है, तब तक किसी ने वो दिखाना कहना शुरू किया कि गठबंधन जो है आगे है, और 8-10 मिनट के अंतराल में दूसरे दफ्तर पे ढोल ताशे बजने लगे। और यहाँ जो ढोल ताशे वाले थे ये सब ना भाग ही गए, बल्कि वहाँ सन्नाटा भी पसर गया। ये चीज एक बार और हमने देखी गुजरात में, जिस समय में अर्ली, मेरे ख्याल में 2007 में, जिस समय अर्ली वो बता रहे थे
कि वो कांग्रेस वो जीत रही है, और कांग्रेस के दफ्तर के बाहर तमाम उनके बड़े नेता आ गए वो बाइट देने के लिए, कहने के लिए कि देखो अब तो जीत रहे हैं, और वो खुशी का माहौल बिल्कुल दौड़ गया। उसके बाद जो ट्रेंड पलटा, वो जो खुशी मना रहे थे वो गायब हो गए, और जो शांत बैठे थे वो चढ़ करके खुशी मना लगे, मतलब भाजपा वाले लोग उसके बाद वो मिलते नहीं थे। आप इसका नतीजा देखिए कि पिछले बार जब 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे, तो जब आसाम में लग रहा था कि बीजेपी लीड कर रही है, तो सभी लोग शांत बैठे हुए थे, वो लग रहा था कि शायद अभी बदलेगा, अभी बदलेगा, इट्स टू अर्ली, सारे लोग उस कॉशियस नोट के साथ जा रहे थे। लेकिन ठीक है, वो चुनाव के रंग हैं, यही रंग जो है वाइटालिटी देता है, थोड़ा एक्साइटमेंट देता है, कलर देता है। And our viewers want a little bit of English too. Mohabbat Anwar Ilahi from Hyderabad, welcome to you. Prasanth Sri Prakash, to you too. Thank you so much. And do share this with your friends. If you think this is a cool way of watching on your smartphone, do tell your friends to watch too. And send in your questions. Agar aap Uttar Pradesh se dekh rahe ho, to zarur apne sawal bhejiye, apni raay bhejiye. Jaise Vinod Kumar Prajapati, hamare regular viewer hai, ya Fazal Khureshi hai, unki alag alag raay hai. Vinod kehte hain, abhi unki naukri lagi Uttar Pradesh Power Corporation mein. To wo kehte hain, dekhiye Nikhila, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर तय है कि कौन जीतेगा, इसमें कोई ज्यादा तब्दीली नहीं है। बट अजय, टेल अस, व्हेन इलेक्शन इज इन 7 phases, ओके, एंड दिस वन जनरली वी हर्ड दैट इन द फर्स्ट कपल ऑफ फेजेस बीजेपी मे नॉट हैव डन सो वेल, राइट? वेयर डिड दैट कम फ्रॉम? व्हाट हैपेंड एंड व्हाट चेंज्ड? नो, इफ द इलेक्शंस आर हेल्ड इन फेजेस, इट डज इंपैक्ट in the sense that if the first phase is not good, then if you move to second phase, it will have some kind of effect of the first phase. So in this case, I believe after initial 2 phases, election has changed, and that change has come about because of the presence of one man, that is Prime Minister of India. So he campaigned so vigorously all along that he emerged as the key figure in this election, and his persona was so overwhelming that it subsumed all identities. That is my feeling. Good point, Kinshuk. Yeah, exactly. Ye कहा जा रहा है कि जो चुनाव है या तो अब पीएम मोदी बनाम माहौल जिस तरह से 2014 को लेकर हुआ और उसी तरह से हुआ। बहरहाल, अब हम लोग एग्जिट पोल की बात करते हैं, पोल ऑफ पोल्स अब हम देख लेते हैं, क्योंकि पोल ऑफ पोल्स जो देख रहे हैं उसमें बीजेपी को दिक्कत है। एग्जिट पोल में तो दावा किया जा रहा है एजेंसीज का कि सरकार बना रही है 2 जगह, लेकिन इसको देखकर लग रहा है पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 193 सीटें दी जा रही हैं, एसपी कांग्रेस को 133, बीएसपी को 67 और अदर्स को 10, 193, और सरकार बनाने के लिए जरूरी है 202 सीटें, यानी 9 सीटें पीछे। क्या कहेंगे संजय जी आप? वो देखिए, अगर 193 पे जाएगा तो देश का मतदाता देख लीजिए, ये कहानी यूपी से ही शुरू हुई थी जो हंग असेंबली की प्रक्रिया है, और यूपी बीच में मतलब 3 बार लगातार वो अपना टर्म पूरा नहीं कर सका था, और उसके बाद भी जब सरकार आई थी तो एक कोलिशन, वो मतलब एक समय में प्रेसिडेंट रूल रहा और उसके बाद सरकार आई, फिर यूपी ने ही उस ट्रेंड को बदला जहां फुल मेजोरिटी की सरकार, मायावती की सरकार आई, उसके बाद फिर अखिलेश की सरकार आई, उसके बाद मतलब ये ट्रेंड वहां से भी बदला है। आप छोटे राज्य देखिए, गोवा जैसा स्टेट पिछले बार वो क्लियर मैंडेट देता है, झारखंड जैसा स्टेट, हरियाणा, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां काफी समय में एक इस तरह का वर्डिक्ट आता था जो फ्रैक्चर्ड बिल्कुल होता था। तो हंग असेंबली की प्रक्रिया, जब पार्लियामेंट में क्लियर मैंडेट है, तो यूपी का मतदाता एक डिसाइसिव मैंडेट के लिए मूड बना चुका है, मुझे नहीं लगता। मतलब अभी भी मैं थोड़े समय पहले भी ये अपनी तरफ से ये आकलन वो पेश कर रहा हूँ जो थोड़ा हैजार्डस है, लेकिन फिर भी मैं इस पर स्टिक कर रहा हूँ। तो इसलिए हंग वंग की मतलब 193 पे जाकर के रुके, ये पोल ऑफ पोल्स है, उसमें एक मैंने कहा कि हर बार एक बिल्कुल सच्चा होता है जो एग्जिट पोल सब कह रहे हैं, तो एक जो सच्चा होगा वो आगे निकाल करके ले जाएगा। नहीं, वो इतना एक्सट्रीम होता है ना कि उसमें एक अगर ठीक हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा। You're watching First Post Decode 2017. छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले अजय सिंह के साथ गूगल के पार, और उसके बाद पंजाब।